हमने बता दिया, एंड हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत उत्सुक है आपसे बात करने के लिए और आप जो कहने वाली हो सुनने के लिए। तो अभी अगर इंटरव्यू अगर शुरू करना है, मेरा पहला जो क्वेश्चन है, तो अभी तो ये हाँ फेमस है कि आपने 13 साल की उम्र में ही ये बता दिया कि आप अपने गांव में काम करना चाहती हो, अपने लोगों के लिए काम करना चाहती हो। ये कैसा हुआ जी, आपके परिवार में कोई ऐसा था जिन्होंने आपको छुट्टी दी, या ये ऐसा ऐसा आपको ख्याल कैसे आया? जी मुझे लगता है कि ये कुछ तो हमारे परिवार में हमारे पुरखों ने कुछ काम किया था गांव में पहले से ही, और दूसरा एक अपनी कुछ भावना, अपनी कुछ संवेदना, सेंसिटिविटी होती है, तो जी जिसे किसी की सेंसिटिविटी किसी चीज के बारे में ज्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि मेरा शायद ऐसा होगा कि कुछ गरीब दिखाई दिया तो उसके बारे में सेंसिटिविटी ज्यादा थी, तो लगता था कि अरे ऐसा क्यों है, गरीब क्यों है, तो वो डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट हो गया और ये कर लिया कि भाई जिंदगी भर ऐसे लोगों के लिए काम करूं, इसकी वजह ढूंढूं, ये वजह क्लियर करे, और शायद ऐसा कोई अमीर या कोई गरीब ऐसा भेद ज्यादा ना हो, तो इसके लिए कोई मजबूर ना रहे, कोई लाचार ना रहे, तो ये जिंदगी का एक मकसद बन गया, तो उसे जी ही पकड़ के पक्का चल गए। कोई कोई खास हादसा ऐसा कुछ आपने देखा था जो मतलब इतनी कच्ची उम्र में जो आपको लगा कि कुछ करना चाहिए? कोई कोई हादसा ऐसा कुछ याद है आपको बचपन कुछ से? भी नहीं, मतलब जैसे जैसे पड़ोस के एक विधवा विडो है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, जब वो मेरी माँ से बात करती है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो बिना तेल का हम 15 दिन से रूखा सूखा खा रहे, या कि एक बहन थी जो मजदूरी करती थी, वो बोलती थी कि भूखे पेट नींद नहीं आती है, तो पेट को टॉयल बांध के मैं सोती हूँ, तो ऐसे मतलब ऐसी जो तकलीफें देखती थी, तो बस वो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी, और मतलब उनको जितनी तकलीफ होती थी शायद उनका सुन के ज्यादा ही तकलीफ मुझे होती है, तो उसके बिना फिर लगता था कि मैं इसी के लिए जीवन दे, कोई ऐसा हादसा नहीं था, लेकिन गांव में रहने के कारण आसपास का माहौल वही था, काफी लोगों को तकलीफों भी देखती थी, तो लगता था कि नहीं इनके लिए कुछ किया जाए, इसी गाँव में रह के इन्हीं गाँव के लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो डिटरमिनेशन बन गया जी। अच्छा, तो उसके आगे आपने पढ़ाई की और फिर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो ये कैसा हुआ? मतलब हाउ डिड यू चूज हाँ क्लिनिकल बिल्कुल, साइकोलॉजी तो पढ़े? गांव में काम करना है, पूरी लाइफ शादी ना करना है, बिना शादी के गांव में रहना है, तो कैसे मतलब कुछ तो मार्गदर्शन मिले, कुछ तो गाइडलाइन मिले, तो इसके लिए तय किया कि मैं कुछ पूना बॉम्बे जैसी ऐसी अच्छी सिटी में जाऊं, जाके तब वहां पर जाके देखूं कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हो सकता है, तो वो उसके लिए फिर जैसे मैंने सुना था कि भाई अगर क्लिनिकल साइकिल मतलब मैं बॉम्बे पूना जाऊं क्यों, मेरे पिता माता पिता क्यों भेजेंगे मुझे, तो ऐसा सब्जेक्ट चुना क्लिनिकल साइकोलॉजी की जिसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझे पूना जाना अनिवार्य था, तो वो मेरे को सहारा बन गया कि भाई चलो इस बहाने मैं पूना जाऊं और पूना में जाके आसपास के गांव काम देखूं कि भाई डेवलपमेंट के काम कैसे होते हैं, उसका स्टडी करूं, अनुभव लूं, फिर वापस अपने गाँव आऊं, तो इसलिए फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमए करने का सोचा अच्छा, ऐसी बात। तो आपने विज्ञान आश्रम में भी पहले काम आपने किया था, जी वहाँ काम, तो जी उस टाइम जैसे आप कर रहे थे, आपको क्या लगा, मतलब जिस चीज की हम डेवलपमेंट जिसको बुलाते हैं, वो क्या चीज है? मीन क्या क्या ऐसी कि कैसी जरूरतें हमको पहले पूरी करनी चाहिए, आपको क्या लगा वहां देख के? जी विज्ञान आश्रम में मतलब जैसे एमए करने के बाद मैं खोज रही थी कि किस संस्था से मैं जुड़ूं ताकि मैं अनुभव ले सकूं, तो डॉक्टर कलबाग जी जो विज्ञान आश्रम में काम करते थे उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा के द्वारा ग्राम विकास पर वो काम करते थे, तो सोचा कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए काफी रहेगा, यहाँ पर रह के मैं सोच सकती हूँ कि मैंने किस दिशा में जाना चाहिए, और डॉक्टर कलबाग जी का मार्गदर्शन भी मुझे मिल रहा था, तो वहां पर स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन लर्निंग वाइल डूइंग इस कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छा काम हो रहा था, तो ये करते करते सर के साथ मुझे काफी घंटे मिले, और लेकिन उन्होंने एक मौका मुझे दिया था, एक्चुअली उनसे मैं पूछ रही थी कि गांव के विकास के लिए कैसे कहाँ से काम शुरू किया जाए, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा के बिना कोई पर्याय नहीं है, शिक्षा के द्वारा ही विकास होना चाहिए, तो उनको बताया गया था कि भाई शिक्षा बच्चा लेगा, बच्चा बड़ा होगा अपने दिन सुधारेगा, उसके बाद अपने माता पिता के दिन सुधारेगा, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकती कि आज जो माता पिता जो गरीबी में है उन्हीं के दिन बदले जाए, तो फिर उन्होंने एक मौका दिया था कि भारत की बहुत सारे एनजीओ थी जो ग्राम विकास के लिए काम करती थी, उनको जाकर मिलो, उसके बाद आप एक लिस्ट बनाओ कि आप क्या करना चाहते हो, तो उस दौरान कुछ एनजीओ कुछ ऑर्गेनाइजेशन को देखा, उनके काम करने के तरीके देखे, वो उनका बेनिफिट कितना उनके उनके आसपास के लोगों को मिलता है ये सब स्टडी किया,
तो उसके बाद डॉक्टर, अभी 3-4 साल लगे मुझे घूमने में, तो डॉक्टर करवा जी ने मुझे पूछा कि क्या लिस्ट बनाई है आपने, ये क्या करोगी? तो उसने बताया कि लिस्ट तो बनाई है लेकिन ये नहीं कि क्या कर रहेंगे, इसकी बनाई है कि क्या नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ तो जी, तो फिर उसमें सबसे पहले ये तय किया था कि हम कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं लेंगे। गवर्नमेंट के काम, उसका गवर्नमेंट के काम लोगों के लिए है, लोगों का पैसा है, वो तो बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा लोग अच्छे अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि हमारे काम का ये जो था कि वो भावना और संवेदना से जुड़ा हमारा काम का ये स्रोत था, उगम था। तो अगर कोई पैसा दे और वो बताए हमें कि भाई कितना काम करना है, कैसे करना है, कितने दिन में करना है, तो इससे तो हम लोग तो उनका सुनेंगे और फिर हम कब सोचेंगे। मतलब ये सोचा कि प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज नहीं हो, इश्यू बेस्ड, जो सवाल है सवालों के आधार पर हमारा काम का प्लान बने। और हम नहीं सोचे, हम नहीं सोचे कि हमें क्या करना है, लोग जो सवाल लेके आए उन्हीं सवालों के साथ काम करना है, जो भी सवाल आए। तो इस तरह से ये तय किया और काम शुरू किया। गाँव 8 साल विज्ञान आश्रम में रहने के बाद अपने गाँव में काम शुरू किया। अच्छा ठीक है। तो अभी आप जैसे कह रहे थे कि गवर्नमेंट के पैसे नहीं लेने का आपने जो निश्चय कर लिया है, तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि अभी गांव में जो है और या शहर में ही हो, तो गवर्नमेंट का हर जगह जो सिस्टम है हम उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और जो उनको थोड़ा सा और बेहतर करे या उनसे जो फायदा मिल सकता है वो हम ले, और ऐसा ऐसा कोई आप जैसे दोनों पार्टनर बन के काम करने के वो ऐसा गुंजाइश नहीं थी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसे काम करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरे को लगता है कि एक स्ट्रेंथ जो अपने आप में हम लोग पा रहे हैं, हमारी टीम, हम लोग तो स्ट्रेंथ ये है कि हम लोग लोगों को सुनना चाहते हैं, हम लोग लोगों को समझना चाहते हैं, हम लोग लोगों पर विश्वास करना चाहते हैं, और जो काम बनेगा, जो भी एक्शन लिया जाएगा, वो जो लोग चाहते हैं उस तरह से हो। तो इसे एक्चुअली हम लोग एक प्रैक्टिकल हम लोग देख सकते हैं, अलर्ट होके देख सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, कैसे होता है, क्योंकि इस तरह से काम करना भी बहुत जरूरत है। मतलब गवर्नमेंट की काम करना भी जरूरी है, लेकिन उनके बिना एक इंडिपेंडेंट सोच हम क्रिएट कर सके, इंडिपेंडेंट सोच नहीं, जो एग्जिस्टिंग सोच है उसे हम समझ सके, इसकी भी जरूरत है। मेरे ख्याल से अगर मेरे को ऐसा होते, मतलब अभी आज तक जो भी, आज हजारों औरतें क्रिएट एक्टिविटी कर रही है, ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि वहां की औरतों ने कहा कि क्या हम क्विंट बना सकते हैं, और जो क्विंट की सब लोग हंसते थे गोधरी को, तो वो हम लोग कि अरे ये चलो बनाते हैं। किसानों का सुसाइड केस था, तो कितने सारे लोगों ने कहा कि अरे किसान ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन किसान हमने जो पूछा कि अरे जो मर रहा है उसी से पूछा जाए कि हम क्या करें, और किसान ने जो बात रखी उसने जो बात कही उसी के लिए हम लोग ने एक्शन के लिए हम लोग फ्री है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी नई चीजें अपने को मिल रही है। हमारे एक के गवर्नमेंट के साथ काम न करने से तो सरकार का या देश का कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन ये बात है कि एक नई सोच जो एग्जिस्टिंग है, जो मतलब हम लोगों ने नहीं निकाली है, तो जो एग्जिस्टिंग है उसे हम लोग शायद समझ सके, तो वो समझने का हमको मौका मिल रहा है, ऐसा हमें लगता है। अच्छा ठीक है। तो 2000 में आपने ये भगिनी निवेदित प्रोग्राम विज्ञान निकेतन आपने तो तब तक शुरू किया था, तो आपके जी साथ और कितने लोग थे जो ऐसे इश्यूज में उस तरह जिन्होंने दिखाई? जैसे हमने गांव के ही लोगों के साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी जो मैन पावर टीम है वो पूरी गांव की है, गांव के लड़के, उनके घर के, उनकी उन लड़कों उनकी पत्नियां, उनके किसी की माँ, किसी की बहू, ऐसे सब गांव की फैमिली मिलके ये सब काम चलाते हैं। हाँ तो वो ये ऐसे सब लोग मिलके हम लोग गांव में, क्योंकि अब गांव में तो सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो है वो भी लीडर्स बन के आगे बढ़ रही है, वो लोग भी आगे ये कर रही है, तो ये सब गांव के लोगों को लेकर ही ये काम शुरू किया गया। अच्छा, तो अभी अभी तो यू हैव अबाउट 1800 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं आपके साथ, जी तो हाँ जी आप आपके मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितने मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं आपके अंदर जो प्रोफेशनल फुल टाइम आपके साथ काम कर रहे हैं, कितना है टीम, कितना चालीस बड़ा है? चालीस लोग हैं। जी और हम लोग सोच रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की टीम नहीं बढ़ानी चाहिए, गांव के ही लीडर्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देके वो काम सस्टेनेबल हो सकता है, तो उस दिशा में हम लोग अभी बढ़ रहे हैं, तो इसके बाद गांव के ही लीडर्स होंगे जिनका काम सस्टेन होगा। जी, जी अभी 12 साल के बाद तो आप कह सकते हैं कि आपका ये सस्टेनेबल बन गया, पर शुरुआत में कैसा था,
जैसे गांव में आपने मतलब किसी तरह की प्रतिघटना ऐसा कुछ कोई आपके खिलाफ जो बोले ऐसा कुछ आपको ऐसा ऐसा कुछ हुआ, ऐसा अनुभव मेरे कुछ ख्याल हुआ? से हम लोग जैसे ये प्रॉब्लम्स कब आते हैं, जब आप उस गांव के माहौल से आप परिचित ना हो तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। मेरा बचपना वहां पर गया काफी, मैं 12th स्टैंडर्ड तक उसी गांव में पली बड़ी थी, और ये तो बचपन से सोचा था तो उसी विषय से लोगों की तरफ देखना, उनको समझना, ये पहले से ही शुरुआत हो गई थी। तो मेरे ख्याल से लोगों को समझने का एक मतलब एक थोड़ा सा समझ आ गई थी कि भाई लोग किस चीज को किस चीज के साथ चलते हैं, किस चीज के साथ नहीं चलते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जो सबसे बड़ी बात रखी वो ये है कि भाई आपको जो करना है, जो हम समझे थे गांव वालों को देखकर उनके साथ रहकर, कि आपको जो करना है वो आप करो। आप अगर करने से पहले बोलोगे तो क्या होगा कि 100 लोग, सारे लोग अपने अपने ओपिनियन देंगे और आप उस ओपिनियन को सुन के डिस्टर्ब हो जाओगे। तो जो आपके मन में है, उसे आप गहराई से देखो और बस काम इम्प्लीमेंट करो। और किसी के पास ये मत कहो कि भी कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, आप देखो कि आपको कैसा लग रहा है। तो और दूसरी बात, जैसे हम लोगों ने कुछ, जैसे हम लोग नेतागिरी नहीं करनी है, किसी पॉलिटिकल पक्ष के साथ नहीं जाना है, किसी के प्रोग्राम में नहीं जाना है। गांव की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनमें काफी पॉलिटिक्स होता है, उन संस्थाओं में हमें शामिल नहीं होनी, चाहे वो कितने भी उसमें बड़ा मान सम्मान या पैसा जो भी रुतबा मिलता है उनमें हमें नहीं जाना है। हमने अपना काम तय कर लिया और अपनी जगह हमने नहीं छोड़नी है। और कोई आए सामने का, मतलब गांव में यही होता है कि भाई आप दूसरा सामने का आदमी आता है वो तीसरे के बारे में बात करता है, तो सबसे पहले इन इस माहौल को हमने नहीं पनपने दिया। तो भाई आप आए हो बताओ आप क्यों आए हो, पहले ये सवाल, क्योंकि कोई भी ऐसे ही नहीं आके बैठ सकता है। आप आए हो तो कुछ रीजन के साथ ही आए हो, ये एक्सप्लेन दिया जाता है और आपसे उसी तरह से रिएक्शन दिया जाता है तो सामने के लोग सोच समझ के आते हैं। तो इसलिए काफी चीजें नहीं हुई। और दूसरी बात, लोगों के सवाल है इसलिए हम काम कर रहे हैं, हमारी जरूरत है इसलिए नहीं काम कर रहे हैं। अगर लोग आना बंद कर देंगे तो हम लोग खाली बैठे रहेंगे, हम लोग बहुत खुश होंगे। तो लोगों के सवाल के साथ काम हो रहा है। आपका, आपकी बेटी की मतलब आपकी खेती गिर रही है साहूकार के पास, तो चलो खेती छुड़वा रहे हैं, उसके लिए ही सिस्टम है, तो छुड़वा दी, हमारा काम खत्म। तो जैसे अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई आप इतने लाख रुपए लो और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो, तो ऐसी चीज के लिए मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैं लोगों के पीछे जाऊंगी और लोगों को उस अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। तो जरूरत के आधार पर काम की रचना होने के कारण, लोगों की जरूरत के आधार पर, तो ये जी माहौल चल जाता है। हाँ जी ओके। जो आपका जो मॉडल है वो माइक्रो फाइनेंसिंग है, पर हमने देखा जैसे आंध्र प्रदेश में जैसा है कि ये माइक्रो फाइनेंस का जो है वो काफी विस्तृत तरीके से हर जगह ये शुरू किया था, पर बहुत सारी जगह ऐसे हो गए कि वो पैसे वापस भरने में लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और बहुत बार ऐसा भी हो गया कि कई लोगों ने, मतलब मैं खुद जानती हूँ कि कम से कम मैं 10-12 केस ऐसे देखा है जहाँ महिलाएं इतनी परेशान हो गई, ये रिपेमेंट नहीं कर पाती तो वो जिन्होंने आत्महत्या कर ली, तो ऐसा भी हुआ। फिर प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आ गए जहाँ वो बड़े बड़े स्कैम बन गए उसके। तो आपने, मतलब आपने इतना 100% रिकवरी जो आपने उसकी, ये तो काफी मतलब हिस्टोरिकल है, तो ये कैसे किया आपने? इससे हम लोगों ने एक कंसीडर किया है कि मान लीजिए हमने अपना शेड्यूल बना दिया है रिपेमेंट का, लेकिन अभी इस साल बारिश नहीं आई है, तो लोगों ने कहा कि अरे बारिश नहीं आई है और हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई बारिश कम आई है, 45% 40% जो भी है उनका यील्ड जो है वो कम हो गया है। तो ऐसे वक्त सभी ने उनको, हम लोग उनको मतलब ये करते हैं दूसरी ओर की तरफ से उनको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई आप तो ये रिपेमेंट रेगुलर कर लो, उसके लिए दूसरा सोर्स है, फिर आप वो दूसरे सोर्स के आप ये हो गए, तो उसको हमने डिले कर दिया रिपेमेंट का। तो एक तो कुछ समय डिले कर देते हैं कि उसे डिफॉल्टर कब हम कहेंगे, कि बिल्कुल भरना ही नहीं चाहता है, तो उसको कुछ दिन, अच्छा ठीक है इस साल नहीं कर सकते हो तो इस साल आपको 100% देने वाले थे तो ठीक है उसका डिवाइड 2 साल में कर देते, आप इस साल 50% दे दो। तो लोगों की जरूरत, मतलब लोगों की परिस्थिति को कंसिडर करना, क्योंकि हम उनको क्यों दे रहे, क्योंकि उनको उस परिस्थिति से निकालना है हमें। जी हेलो, हाँ हम उस परिस्थिति से हमें हमें निकालना है। तो अगर हमें दिख रहा है कि भाई बारिश नहीं आई है फिर भी हम लोगों पर प्रेशर कैसे बना सकते हैं, तो ये मतलब ये कंसर्न जो है हम क्यों कर रहे हैं, हमारे क्या हम अपना प्रॉफिट पाने के लिए कर रहे हैं
क्या हम अपनी बैंकिंग चलाने के लिए कर रहे हैं या हम ये व्यवस्था उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं। तो इसका सोचने का जो ये है वो, तो उस तरह से फिर उनको हम लोग ये करते हैं, बात करते हैं, तो इस तरह से फिर वो डिफॉल्टर नहीं होता है। फिर वो 50% इस साल दिया, अगले साल 50% दे दिया और उससे छूट गया और 100% रिपेमेंट आ गया, तो इस तरह से हमारा हो गया। नहीं, ये तो आप उनके तरफ से, मतलब अगर वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जो कह रहे हो उनके लिए तो ये इसमें इसमें बहुत कुछ फायदा है, पर एक जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन एक चला रहे हो तो अपनी तरफ से आपने कैसे ये हैंडल किया, मतलब अगर जैसे आपने किसी को समझो आप जैसे मिसाल के तौर पे आपने कह दिया कि अगले साल 50% दे दो, पर इस साल का जो पेमेंट जहाँ, क्योंकि ये तो पूरे बहुत सारे लोगों का जो नेटवर्क है इसमें जो गैप आ जाता है, तो इसको आपने कैसे हैंडल किया, आपने अपनी तरफ से कैसे किया आपने? मतलब एक तो ये है कि पहले ही जब देते हैं तब ग्रुप पीयर प्रेशर वहाँ रहता है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबल रहता है जी। ग्रुप जब रिस्पॉन्सिबल रहता है तो सोच समझ के कर्जा लिया जाता है, तो इसलिए नहीं, मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं माइक्रो फाइनेंस कर रही हूँ, मैंने किसी से लोन लिया है, मतलब दो फर्क है इसका शुरू अप्रोच का, कि मैंने किसी से लोन लिया है और ये मैंने लोन देना जरूरी है तब मेरी ये साइकिल कम्प्लीट होती है जी। तो ये मामला नहीं है इसमें, ये मामला इससे ऐसा है कि लोगों की जरूरत है और इसीलिए कहीं से तो भी पैसा खड़ा किया गया है फिर उनको दिया गया है जी। मतलब पैसा है इसलिए फाइनेंस नहीं है, जरूरत है इसलिए फाइनेंस है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये फर्क जो होता है ना, तो इसलिए हम देने की, मतलब फिर हम लोग ये करेंगे कि सामने के इंसान को कितनी जरूरत है ये नहीं देखेंगे, पैसा देना मेरी जरूरत हो जाती है जी। जी, जब पैसा देना मेरी जरूरत हो जाती है तो अननेसेसरी में शायद उनको कन्विंस कर सकती हूँ, अननेसेसरी वो लोग पैसे ले सकते हैं, उनको माहौल बन जाएगा कि यार अरे हाँ पैसे है तो ले लो। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये फर्क आ जाता है, इसलिए रिपेमेंट का जो है वो बराबर सही ढंग से किया जाता है। फिर हमारे मतलब जैसे एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, ग्रुप के बाद गाँव रिस्पॉन्सिबल है, तो जब किसी ने नहीं दिया तो वो मतलब वो ये होता है कि भाई गांव पूरा, गांव पर पूरा अफेक्ट मतलब उसका होगा। तो इस तरह का है, और ये हम लोगों ने ये देखा कि भाई आप टाइम टू टाइम लोगों से बात कर रहे हो, उनको उनके कांटेक्ट में आप बने रहे हो, किस तरह से बने रहे हो, तो ये काफी मतलब एक पूरा से एक मैडम आई थी तो उन्होंने पूछा उन लोगों को कि आप बैंक के पैसे लेते वापस और इस संस्था के देते हो, तो कुछ लोगों ने उनको ऐसा जवाब दिया था कि हमें पता है कि ये संस्था हमारे लिए कहाँ कहाँ से पैसे खड़ा करती है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है सबको पता है कि हम लोग कौन सा पैसा, किसान कैपिटल का पैसा हमने कहाँ से लाया है, तो जो लोग देते हैं उनसे हम उनकी बात करवाते हैं, ये कौन देता है, ये सब उनको पता है कि भाई उनके लिए खड़ा किया जा रहा है, ये नहीं कि इसका विषय है और वो दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत अफेक्ट करती है। हाँ जी जी, ओके। तो अभी आपके ख्याल से अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग, तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है इसमें और सारे कैसे सवाल है अभी, जो कैसे चैलेंजेस हैं हमको? जी अभी चैलेंजेस जैसे हम लोग एक बात करते हैं कि भाई जो भी काम हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो जब लोग सामने से सवाल लेके आते हैं ना तभी हम लोग उतरते हैं। मतलब मान लीजिए गाँव में हमें एक इश्यू दिख रहा है वो बहुत गंभीर है, और जब तक लोग उसे रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम लोग उस इश्यू को हाथ नहीं लगाते हैं जी। ओके, तो उसकी फिर जब लोग आते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो खुद उस इश्यू को छोड़ना चाहते हैं, वो खुद उस समस्या को छोड़ना चाहते हैं, तो वो लोग तैयार होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी सवाल जैसे अभी दो चीजें अलग अलग किया है, जैसे जैसे हम लोगों ने पहले तो किसानों का इश्यू था सुसाइड का 2005 में जी। तो लोगों ने कहा था कि लोग तो हम लोग किसान एकदम से वो बोले कि हमारी घर की महिलाएं आपके यहाँ पर आती हैं तो वो एक तो उद्योग के द्वारा पैसा घर में लाती हैं, एक सेवी सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा पैसा घर में लाती हैं, तो हमारे घर में पैसा आ रहा है तो आप प्लीज हमारे लिए भी कुछ काम करो। तो हमने कहा कि हम तो आपको हमें तो किसानों के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि अभी खेती मालूम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपको खेती सीखने की जरूरत नहीं है, खेती सिखाने की जरूरत नहीं, आप खेती हम जानते हैं, आप हमारी परिस्थिति समझो। फिर काफी लोगों ने कहा कि अरे आप किसानों के इसमें मत करो, किसान बायोडायवर्सिटी नष्ट करती है, मोनोकल्चर की तरफ जा रहा है, वो कैश क्रॉप लगाता है, वो क्रॉप लोन को ऐसे किसी और चीज में लगा देता है, वो डुबोता है कर्जा। लेकिन किसान ने उनके सवाल रखे
कि भाई 3 साल से बारिश कम है, ये चीज है। तो फिर लोगों ने हमें कहा कि अरे इनको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाओ। हम जब किसान के पास गए कि भाई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों नहीं कर रहे, तो किसान वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि 3 साल से हम लोग कम बारिश के कारण हम पर बहुत लोन हो गए और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग डिफॉल्टर है और हमारे पास यही कम है वगैरह। तो ये हमको पता चला कि भाई किसान को पहले, किसान अपनी बात नहीं सुन रहा है, किसान की पहले बात हमें सुननी होगी। जब किसान ने कहा कि हमें इस वक्त 2005 में बारिश बहुत अच्छी आ रही है, हमें सीड और फर्टिलाइजर के लिए पैसा चाहिए, बस हमारी जरूरत इतनी है, तो हमने सोचा कि चलो वही जरूरत पूरी की जाए। तो जब उनकी वो जरूरत पूरी की गई, तो उसके बाद 2 साल के बाद भी उनको फिर जो डिफॉल्टर थे उनका लोन जो ये था तो वो रिलीज करवा दिया। फिर वो लोग रेगुलर हो गए, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए। तो वो उस परिस्थिति से आगे किसान बोलने लगे कि हमें अब नायलॉन की रस्सी की जरूरत नहीं है। जी सही समय पर व्यवस्था उनकी होती है। लेकिन अभी आज गांव का पानी का प्रश्न है कि भाई बारिश तो अच्छी आती है लेकिन गांव में वाटरशेड का काम नहीं हुआ है। तो वही किसान जो पहले 5,000-10,000 के लिए मजबूर थे, वही किसान अब 5,000-10,000 कंट्रीब्यूट कर रही है। वो कह अच्छा रहे हैं कि हाँ, वो कह रहे हैं कि मतलब जैसे गांव के युवा है, उन्होंने कहा हम लोग बहुत सारी गवर्नमेंट लोगों से मिले, उनको कहा कि लेकिन कुछ भी काम नहीं होने वाला, ये हमें ही करना होगा। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें लोग किसान मतलब किसान 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए कंट्रीब्यूट करके पूरा पानी का काम खड़ा कर रहे हैं। जी जो भी सवाल है वो ऐसे इस तरह से छूट जाते हैं। अच्छा, तो जो आपका शायद ये सोचा होगा कि आप जो महिलाओं के साथ काम कर रही थी इसको बढ़ा के ये बहुत विस्तृत हो गया और मसला जैसे इसमें भी कृषि में भी आप चली गई थी, तो उससे क्या आपको क्या लगा? मतलब जैसे आप काम कर रहे थे आपको लगा कि गांव में आपका ज्यादा और ज्यादा एक्सेप्टेंस है, जैसे ही आप फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जैसे आप सॉल्व करती जा रही थी, आपको लगा कि और ज्यादा एक्सेप्टेंस आ गया जिन गांव में आप काम कर रही थी वहाँ? मुझे लगता है कि उनको उनकी घर में जब पैसा जाने लगा तो उनको विश्वास आ गया कि भाई यहाँ पर अपनी बात सुनी जाती है और अपने सवालों को सुना जाता है, अपनी परिस्थिति समझी जाती है और अपन जो करके उस तरह से एक्शन ली जाती है। तो मेरे ख्याल से वो माहौल उनके लिए मतलब, फिर अब जैसे एक महिला आती है वो कहती है कि देखो मेरे घर में ना ऐसा ऐसा हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, फिर मैं ये सोच रही हूँ, फिर मैं वो कर रही हूँ, ये बात सुनने के लिए कोई नहीं है। तो वो प्लेटफॉर्म मिल गया तो कोई भी अपना कोई भी ये रहता है आइडिया होता है तो वो भी शेयर करने आ जाता है, या मैं अपने प्रॉब्लम छोड़ रही हूँ। तो मेरे ख्याल से उनको एक अपनी जगह मिल गई, अपने लोग मिले जी, तो इसके कारण वो है बोली या उनको अपना पन मिला। अच्छा, नीलिमा जी, श्रीकांत है लॉसन एंजेल्स से, उनका एक सवाल है आपसे कि हाँ। वो पूछ रहे हैं आप पिछले साल जैसे आपका यूएस वीजा रिजेक्ट हो गया था एक बार जब आपने अप्लाई किया और बाद में ये पता चला कि उन्होंने आपको वापस बुलाया और आपको आप फिर गई थी वहाँ, तो ये क्या हुआ, मतलब ये कैसा एपिसोड था, आप याद करके हमको सुनाइए। हाँ जी, वो एक्चुअली हमने उनको डॉक्यूमेंट दिए थे और वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने हमें वहाँ बुलाया था, तो वहाँ पर मतलब युवाओं के सामने बात करने के लिए। तो इन्होंने पूछा कि इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट नहीं देखे और रिजेक्ट कर दिया। और एक कॉमन पेपर होता है कि जिसमें भी ऐसा कहा गया है कि आपका मेरा, मैं कोई पैसे कमाती नहीं हूँ, मतलब मैं सैलरी नहीं लेती हूँ, कोई तो मुझे 2,000-5,000 से दे देता है। तो अभी अभी आजकल मेरे 7,000 रुपए कोई हमारे एक मेरे केयरिंग फ्रेंड्स है उसके रमेश जी कहते हैं, वो मुझे 7,000 रुपए भी आप अपने खर्चा, खाना खाने का, कपड़ों का खर्चा आप निकाल चुके थे देते, इसकी मेरी आमदनी नहीं है ऐसी फिक्स। तो और मेरे को जो मैक्सेस का पैसा मिला था वो तो मैंने पूरा संस्था को डोनेट किया था। हाँ। तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो उनका ऐसा लेटर था कि आपकी आमदनी नहीं है कुछ, तो आप आपकी मतलब इकोनॉमिकल ये कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप शायद अमेरिका में जाके आप वापस ही ना आओ, आप वहीं पर रह जाओ, ऐसा उनका ये था और वो विजिट किया गया था। अच्छा, तो बाद में फिर क्या हुआ, मतलब उनको कैसे वो हाँ। जान गए कि आप मैक्सेस से अवार्ड ही हो और फिर आपके पास वापस आके क्या फिर? वो एक्चुअली बाय चांस ऐसा हुआ कि उस दिन मतलब उन दिनों में मिनिस्ट्री से कुछ मीडिया वाले थे तो वो इंटरव्यू देते थे, वो काफी 2 महीने से पीछे लगे थे कि भी हमें डेट दो, अपने आप आओ हमें इंटरव्यू लेने, लेकिन उन दिनों में मैं उन्हें समय नहीं दे पा रही थी। तो उनको बोला कि हाँ इस दिन ना मैं अपना वीजा लेने मतलब बम्बई आ रही हूँ,
तो उस दिन मैं आपसे नहीं क्यों, तो बोलते हैं कि अरे नहीं आप कहीं और चले जाओगे, हमें इंटरव्यू देनी है आपकी, तो आप प्लीज हम लोग वहाँ पर वीजा ऑफिस में आ जाएंगे और आपको आपको लेके हम लोग मिनट से निकल जाएंगे। तो वो मेरे गाड़ी में बैठे थे, मतलब यहाँ वहीं पर बैठे थे। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू दे के बाहर आई तो उन्होंने बोला कि हो गया काम आपका, तो हमने बोला कि नहीं नहीं दिया मुझे वो, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया उन्होंने मुझे। तो बोलते क्यों नहीं, हमने कहा अरे मेरे ऐसे ऐसे सिचुएशन है तो उन्होंने नहीं दिया। तो उसी वक्त उन्होंने इंडिया में फोन कर दिया, उनके कुछ कनेक्शन होंगे, तो हमें 15 मिनट में पता चला कि ब्रेकिंग न्यूज करके आ गया है। तो शायद इस बात का असर, मीडिया का इस बात का असर ऐसा हुआ कि उन लोगों ने फिर मुझे 4 बजे फोन किया और कहा कि आप आ जाओ सोमवार के दिन, आप ये करते फिर से आप आ जाओ, तो आपके वीजा के बारे में फिर से सोचा जाएगा। फिर वो तुरंत मिल गया मुझे, 10 साल के लिए उन्होंने दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई मैसेज से क्या है, वो किस लिए दिया गया है आपको, सारी जानकारी उन्होंने लिया। उनको पहले दिन तो उन्होंने पूछा कि मैक्सी से क्या है, आप क्यों जा रहे हो, तो हमने कहा भाई जिस कॉन्सेप्ट के लिए मैक्सी से मिला है तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर शेयर करने बुलाया हमने। तो बोलते कि मैक्सी से क्या होता है, तो हमने कहा भाई एक अवार्ड है मैक्सी से अवार्ड, हमने बताया था, हमने कहा बोले मैक्सी से अवार्ड क्या होता है, हमने कहा क्या बताया। तो फिर बाद में उन्होंने दूसरी बार बुला के कहा कि भाई क्या चीज है कैसे है, तो बोलते कि ठीक है 10 साल के लिए उन्होंने दी दिया फिर। अच्छा बहुत अच्छी बात है। और सीनियरी है वो जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल के जो रिसेंट जैसे डेवलपमेंट है, जैसे विदेशी निवेश की जो बात हो रही थी और या विस्थापन हो या माइग्रेशन हो, ऐसे इश्यूज का रिसेंट जो है हाल ही में जो भी हुआ है हमारे पॉलिसी का जो भी हुआ, उसका क्या असर है, मतलब आप क्या सोचते हो, मतलब अभी क्या असर है और आने वाले अभी जितने सालों में क्या असर होने वाला है, कैसा प्रभाव दिखेगा अभी? इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, मतलब इसके बारे में मैं ओपिनियन भी नहीं दे सकती, आई एम सॉरी। अच्छा इसके बारे में मुझे मुझे खुद को स्टडी ज्यादा करना होगा, डीप में पहले सोचना होगा, उसके बाद ही मैंने अपनी ओपिनियन देनी चाहिए। अच्छा ठीक है। तो अगला सवाल ये है कि जैसे आपने 13 साल की उम्र में आपने ये कह दिया कि आपको लोगों के लिए काम करना है, तो आपको क्या लगता है जैसे आप बच्चों को आसपास में देखते हो, इसी उम्र के जो 13 साल के टीनेजर्स हैं जैसे 15 साल के, तो आपको क्या लगता है उनमें आपको ऐसा कोई दिखा है कुछ जो जो जैसा आपका ख्याल था ऐसा किसी में ऐसा आपको दिखा, या आपको क्या लगता है उनके क्या आजकल के क्या एस्पिरेशंस हैं, अभी क्या बनना है बच्चे? जी आजकल के बच्चे मुझे मतलब काफी स्मार्ट पाए जाते हैं, काफी कॉन्फिडेंट हैं। मतलब हम लोग बहुत सोचते थे, मतलब मेरे उम्र में जब हम लोग, मैं देखती हूँ कि अरे हम लोग आज भी बहुत सोच समझ के कुछ भी चीज करते हैं या कुछ भी चीज का एक्सपेक्टेशन करते हैं। आजकल की पीढ़ी जनरेशन बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई देती है, और मुझे लगता है कि बस ये था कि क्षेत्र जो, मतलब बच्चे भी कहते हैं कि मुझे ये बनना है मुझे वो बनना है, तो सेम चीज या शायद उससे भी स्ट्रॉन्ग चीज आजकल के बच्चों में है, बस ये है कि क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तो मेरा क्षेत्र गांव था, तो दूसरे बच्चे का क्षेत्र शायद स्पेस के बारे में वो सोचते हैं, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से तो वो तो स्ट्रांग विलेज है बच्चों में, आजकल के बच्चों में। अच्छा जैसे ग्रामीण बच्चों में आप जो देखते हो, आप आपको किसी कोई कोई बच्चा ऐसा मिला जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता हो और बोलता है कि जैसे आपने जैसे कहा वैसे बोलता है, या क्योंकि सारे बच्चे तो बोलेंगे हम बड़े होके ये बनेंगे, इंडिविजुअली हो तो बोलेंगे, जैसे आपको अगर कोई किसी का कम्युनिटी की तरफ ऐसा सेंसिटिविटी जैसे ऐसे संवेदना कभी कहीं नजर आई? मैं गांव के बच्चों की तरफ जब देखती हूँ तो शायद उनको भी कुछ चीजें मतलब करना तो चाहते हैं, जैसे मैं ट्राइबल एरिया में काम करती हूँ तो उनमें वो चीज देखती हूँ कि वो कुछ, लेकिन वो बेचारे खुद कुछ पाने की चाहत है उनकी इससे अलग, तो ये मैं देखती हूँ कि उनके पास जो नहीं है वो पाने की चाहत मैं उनमें ज्यादा देखती हूँ, तो शायद इसीलिए वो इस बारे में सोचते नहीं। मेरे आसपास जितने बच्चे मैंने देखे तो उनमें मैं उनको जो नहीं मिला है वो पाने की चाहत मैं उनमें देखती हूँ। हाँ अगर इनको जो उनको बेसिक जरूरतें भी इनकी मिल जाए, शायद ये बच्चे फिर दूसरे का सोच सके, ऐसा मुझे लगता है। जी। हाँ तो एक और ये है कि हम देखते हैं जैसे जो मीडिया, हमारा जो मीडिया है उसमें ग्रामीण समस्याएं जो है उनके उनका इतना और स्पेस जितना देना चाहिए उतना दे नहीं रहे, तो इसका क्या हो सकता है कि जैसे आपने देखा है जहाँ आप काम कर रहे हो, आपका कुछ ऐसा एसोसिएशन रहा जो मीडिया के साथ जहाँ आपने आपके काम के बारे में ऐसा प्रोजेक्ट किया गया, या आपने कुछ कभी कोशिश की थी कि आप
मीडिया का इस्तेमाल करो और अपना आप जो कहना चाहती हो वो बात आप लोगों तक पहुंचाओ, ऐसा ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, हम लोगों ने 2027 तक का प्लान बना के रखा है और उसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि इसे हम लोग डीप में जाए और हम लोग मीडिया के द्वारा नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हम लोग इसको एक्चुअली देखना चाहते थे कि जो हम कर रहे हैं वो कुछ समय ठीक लगे, कुछ समय के बाद पता चले कि ठीक नहीं है। तो पहले हम लोग इसकी रिलायबिलिटी टेस्ट करना चाहते थे, पहले हम लोग अपने कॉन्फिडेंस ये करना चाहते थे, उसके बाद हम लोग ये डिक्लेयर नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग लोगों के सामने रख सकते थे, देखो भाई हमने ऐसा ऐसा किया, उससे इतनी बार हम फेलियर हुए, इतनी बार हम लोग सक्सेस हुए, फिर बाद में सक्सेस होते गए, तो हम लोग ऐसे रख सकते थे शायद। तो ऐसा कुछ हमने नहीं लगा था, लेकिन मीडिया ने काफी इन चीजों को उसके बाद तो काफी चीजें उठाई, और पहले भी हम लोग जो भी काम करते थे तो लोकल न्यूज़पेपर ने काफी अच्छा माहौल किया, तो जिसके कारण लोग जुड़ते ही जा रहे थे, लोग अपनी अपनी वो लोग क्या कैसे जुड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं ऐसे, तो इस तरह से जुड़ते थे लोग। अच्छा, जो ये जो ग्राम सभा की बात बात हो रही थी, जैसे आप अभी ग्राम सभा जो है, तो ये क्या पूरे 200 गाँव में जहाँ आप काम करते हो वहाँ ये नहीं है? हम लोग अभी इसकी मॉडल के रूप में 3 गांव में कर रहे हैं, क्योंकि इसे कुछ साल करके हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आती है दिमाग में आती है, अपन 2-4 साल काम करते हैं वो ठीक नहीं है, वो तुरंत हम पूरे लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट करें, क्योंकि इन सब चीजों को बहुत गहराई से जिम्मेदारी है अपनी, अगर हम लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट करना चाहे तो ये हमारी जिम्मेदारी है और लोग उस पर विश्वास रखने वाले हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम लोग समय पैसा और उनका सब बर्बाद करें। तो हमने ये सोचा कि 2-3 गांव में हम लोग कुछ तक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इसी कंटिन्यूसली, और अगर ये सक्सेस होता है तो फिर 200 गांव में करेंगे। 200 गांव में सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, थोड़ा बहुत काम चलता है, इनकम मतलब इनकम जनरेशन एक्टिविटीज है, तो ऐसे हम लोगों पास भी सोर्स बहुत कम है, तो सोर्स के कारण हम लोग थोड़े से बहुत बार रुक जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। तो ये ग्राम सभा का जैसे आप कुछ मतलब एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, जैसे आपने कहा कि जो लोकल जो जरूरतें हैं उनको पूरा करता है और फिर चर्चा होती है बैठ के, जैसे वो चर्चा होती है फिर सॉल्व करते हैं, तो ये कैसा होता है, मतलब कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो जहाँ इन्होंने कुछ ऐसा डायरेक्टली अचीव किया हो? हम लोगों ने ग्राम सभा जरा अलग ढंग से कर लिया है, जैसे हमने देखा कि लोगों को फाइनेंस की जरूरत है तो, और दूसरे हेलो हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी लोगों को जैसे फाइनेंस की जरूरत है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक तो लोगों को ये व्यवस्था की जरूरत है जो हमारी मतलब हमारी गवर्नमेंट सिस्टम के द्वारा उनको उनकी जरूरतें पहुंची रही है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लोग गैर जिम्मेदार भी है, लोग उदासीन भी है कि भाई जो उनकी जिम्मेदारी है वो भी वो निभा रही है, दोनों तरफ से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कमियां हैं और लोगों की तरफ से भी कुछ कमियां हैं, गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था के बारे में कमियां हैं और लोगों की तरफ से जिम्मेदारी के बारे में कमियां हैं। तो हमने इन दोनों चीजों को ये कहा कि भाई लोगों को पैसों की जरूरत, हमने देखा अलग अलग रीजन के लिए उनको समय पर पैसे लगते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है पैसे मिलेंगे लेकिन आप अपना क्या आप फिर हम लोग ऐसे 10,000 पहले साल मिलेंगे, फिर उसे आप लौटाओगे तो अगले साल 25,000 मिलेंगे, ऐसे हम लोग 1-5 साल तक बढ़ा दिया, फिर 10,000 के लिए आप क्या आपका अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, अगर बैंक ने कर्जा नहीं किया तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बंद करवा देते हैं, अरे बैंक नहीं दे रही तो कम से कम आप अपनी बचत तो करो, आप अपनी कॉर्पस तो बढ़ाओ, उससे आप एक दूसरे की मदद करो, क्यों आप बैंक से नहीं दिया तो आप क्यों अपनी सुविधा बंद करो, तो हम लोग कहते हैं कि क्या आपके पास आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, दूसरा कहते हैं कि आपको खुद का आपका टॉयलेट बना है, क्योंकि गवर्नमेंट और हम जैसी संस्थाएं क्यों पीछे लगते हैं इनकी, इनको क्यों नहीं लगता है कि भाई टॉयलेट बनना चाहिए, हम गंदगी गांव में नहीं फैलाएं, तो हम कहते हैं कि क्या आपके पास टॉयलेट है, क्या आपके घर में कोई शराब पीता है, अगर शराब नहीं पीता है तो आप ये 10,000 ले सकते हो, तो ये जब देते समय गाँव के सामने दिया जाता है तो गाँव के लोग तय करते हैं कि भाई हाँ ये शराब इनके घर में कोई शराब नहीं पीता है, हाँ इनके घर में टॉयलेट है, कोई ओपन स्पेस पर नहीं जाता है, तो फिर गांव के लोग जब डिसीजन देते हैं तो ये इस परिवार को वो फॉलो करना कंपल्सरी हो जाता है। दूसरी चीज फिर हमने हेल्थ के बारे में भी जोड़ दिया कि आपके घर की महिलाओं का सेल हीमोग्लोबिन 12 ग्राम प्रतिशत से लेकर 14 ग्राम प्रतिशत है तो हम कर्जा देंगे, तो फिर उनको कहा जाता है, वो पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन तो ठीक है ना, तुम सब्जी तो खाती हो ना, क्योंकि तुम्हारा हीमोग्लोबिन ठीक अगर नहीं हुआ तो मुझे लोन नहीं मिलेगा, तो इस तरह से लोग अपना अपना ये सब करने लगे हैं कि हाँ। हीमोग्लोबिन तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो वो लेके हम लोग उस कंडीशन में बना देते हैं और उसने फाइनेंस से जोड़ दिया, तो ग्राम सभा उसके लिए काम करी,
अब दूसरी जगह ऐसा है कि अब पूरे गांव के लोगों ने कंट्रीब्यूट करके एक गांव में पानी का व्यवस्था करना है, तो उसकी भी ग्राम सभा तय करती है कि भाई हाँ कितने पैसे लोग देंगे, बेनिफिशरीज कितना देंगे, ऐसी सभाएं हम लोग लेते हैं। अच्छा, तो अभी एक एक सवाल काफी देर से मैं सोच रही हूँ आपसे पूछूं। जैसे आप गांव में हम देखते हैं कि ये जात पात का जो है इसका काफी अभी भी प्रभाव है जो जी, जो होता है, तो आपको ये जैसे आप जो समग्र विकास का जो ये मॉडल आप चला रहे हो, जी, तो आपको कभी जी, कोई इसमें कोई मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा कि जात पात? हाँ, नहीं आया जात पात का कभी सवाल नहीं आया। हमारे यहाँ हर हर जाति के लोग हैं। हम लोगों ने महाराष्ट्र में संत तुकोजी महाराज करके हुए हैं, जिन्होंने गांव को ही अपना भगवान माना है, ग्राम विकास को ही अपना भगवान, और उन्होंने ग्राम सभा कैसे लेना है, जैसे सामूहिक प्रार्थना है, तो सामूहिक प्रार्थना मतलब किसी भगवान के बारे में नहीं, बल्कि हम इंसान है हमारे बारे में सामूहिक ध्यान है। उसके बाद गाँव के कुछ ऐसे चैतन्य गीत होते हैं गाँव के लिए और हमारे कर्तव्य, तो इसमें सब एक हो जाते हैं, किसी धर्म पक्षपाती से नहीं जुड़ा होता है। तो ये और सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण क्या हो जाता है कि नियम सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो क्राइटेरिया फॉलो करता है, रेगुलर मीटिंग का, रेगुलर सेविंग का, रेगुलर लेंडिंग लोन लेंडिंग का, रेगुलर रिपेमेंट का, ये या जो भी कुछ सोशल चीजों में इन्वॉल्वमेंट है, ये चीजें जो फॉलो करता है उसको बेनिफिट मिलता है। तो इससे कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, तो इससे कभी ये प्रॉब्लम नहीं आया हम लोगों को। तो हर जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ओके। तो अभी एक हमने पढ़ा है कहीं कि आप एक वेयर हाउस जो अभी चला रहे हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के, तो कैसे व्यवसाय है इसमें, किस तरह के व्यवसाय इसमें माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें भी कर रहे हैं, कैसे काम जी, करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं? जी, ये ऐसा होता है कि सीजनेबल प्रोडक्ट लोग बेचते हैं, जैसे कि ठंड होती है तो यहाँ पर लड्डू बनते हैं, तो उसके लिए ड्राई स्नैक्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं तो वो बेचते हैं। फिर कभी अलग मसाले का स्पाइस का सीजन होता है वो होता है। फिर अभी क्विल्ट का हमारे 2.5 लाख क्विल्ट के ऑर्डर हमें है, तो 1700 बहनें हमारी क्विल्ट बना रही है, तो इसके लिए हम लोगों को जगह काफी लगती है, उसके लिए वेयर हो सकता है अगर हमें अभी हम लोग उसके ये कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सीजनेबल जो चीजें होती हैं, ऑर्डर्स होती हैं, जैसे हमें थैलियों का मतलब जैसे प्लास्टिक पर बैंड है तो 10-10 हजार 20-20 हजार थैलियों के हमें ऑर्डर्स आती है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने वेयर हाउस का कल्पना की है। अच्छा जी जी अच्छा ठीक है। तो अभी अभी जो आप जो काम कर रहे हैं जैसे ग्राउंड आपका बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के जो पॉवर्टी का, तो अगर कोई आपके साथ अगर काम करना चाहे या आपको मतलब उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहे या आपके आप कुछ इंटर्नशिप के जैसे करना चाहिए, ऐसे कोई मतलब ऐसे कोई है चांसेस जो अपॉर्चुनिटीज आप जो प्रोवाइड करते हो? हाँ, हमारे पास IIT पवई के स्टूडेंट्स आते हैं, कोलकाता रामकृष्ण मिशन से स्टूडेंट्स आते हैं, कोलकाता से ऐसे रेगुलर आते हैं, उनके साथ हम लोग करते हैं, गुना से कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये सब करते हैं हम लोग। अच्छा, तो आप US होके आई हो, तो NRIs का आपको क्या लगता है, NRIs के साथ आप तो काफी लोगों से मिली होंगी वहाँ जब देखी, तो आपको आपको क्या लगा उनको यहाँ का जो माहौल है वो हम देखते हैं कि जैसे NRI समय के थ्रू दैट लॉट ऑफ पीपल जो है वो ये चाहते हैं कि कुछ उनका मतलब कंट्रीब्यूशन हो, कुछ उनका कनेक्शन हो, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो काम यहाँ क्षेत्र स्तर पे जो होता है जी। तो आपको क्या लगता है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर NRI से करना चाहे तो? हाँ, मतलब मतलब किस कंट्रीब्यूट किस वे में किस के लिए मतलब कैसे भी मतलब अगर फाइनेंशियली हो या कुछ और, मतलब आपको क्या लगता है वो क्या कर सकते हैं, जैसे कोई है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं? तो हमने वहाँ पर देखा US में कि बहुत सारे लोग बहुत मतलब उनके अंदर देशभक्ति बहुत जागरूक रहती है और वो बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपने देश के बारे में। वहाँ पर जो देखा जितने भी लोगों से भारत NRI से जितने भी लोग मिले उन्हें बहुत ये रहता है, कंसर्न है वो अपने देश के लिए। बाकी पर ये कंट्रीब्यूशन की अगर बात आती है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो इंडिया में काम करते हैं, जिन्हें सोर्स की बहुत कमी होती है, तो NRI उनसे कंटिन्यू ऐसे रिलेशन रखकर उनको मदद करें तो भी मतलब काम को बूस्ट मतलब अच्छा तरह से होगा।
उन्होंने यहाँ पर आके काम करें ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले बहुत सारी संस्थाएं अच्छी अच्छी काम कर रही हैं, उनसे जुड़कर उनकी बात समझकर उन्हें अगर सपोर्ट करें तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया होगा। फिर जो टेक्नोलॉजी है इनको पता है, क्योंकि जैसे अमेरिका में काफी लोग हैं जो हमें हम लोगों को वहां से काफी मदद करते हैं कि जिस तरह से कॉन्सेप्ट में कोई टेक्नोलॉजी है कहीं इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं, या फिर कभी कहते हैं कि अरे आपका ऑर्गन फार्मिंग का कैसा चल रहा है, फिर कैसे कर रहे हो। कभी कभी हम लोग बहुत सारा काम होता है तो एक चीज हमारी एक चीज में हम लोग पीछे हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे क्या हुआ उस काम का क्या हुआ, फिर हम लोग मतलब इस तरह से भी हमें मोटिवेशन करते हैं। तो मतलब कंटिन्यूस कांटेक्ट बनाए रखते हैं हमसे बात बात करके हमारे वो चीज के बारे में, ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और ऐसे सपोर्ट भी कर सकते हैं वो जैसे जो लोग काम कर रहे हैं। जी अच्छा, तो आपका जो मैग्सेसे पुरस्कार जो है आपके लिए क्या मायने रखता है ये पुरस्कार जो है? ये इसने एक आइडेंटिटी दी है, एक रिकॉग्निशन दिया है और मेरे ख्याल से जो इतने सालों से 12 साल से हम लोग जो काम कर रहे थे उसे एक तौर पर मान्यता का आ गया है, एक एक्सेप्टेंस उस विचार को आ गया है, ऐसा ऑटोमेटिकली हमें माहौल लगने लगा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इस तरह से हो जाता है। लेकिन ये सब करते समय ऑफकोर्स बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हम लोग ऑटोमेटिकली जुड़ गए हैं, उनकी हमें काफी अच्छी तरह से मदद आ रही है, लेकिन एक जरूर है कि पैर जमीन पर रखना है, हमारा जो लक्ष्य है उसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए इसका ध्यान रखना है। इन सब चीजों के लिए मार्गदर्शन बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेकर इस दिशा में चल रहे हैं, तो बहुत मतलब बहुत ही बड़ा हमें मायने रखता है ये अवार्ड जो मिला है। तो जैसे हमने आपको बताया ये एनआरआई समय के जो श्रोता है उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपको बताया था कि बहुत सारे हमारे लिजनर्स में बहुत सारे एनआरआई है जो अभी जो भारत में जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, वो फॉलो करते हैं हर इश्यू का जो कई तरह से वो मदद भी करते हैं और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं जो भी प्रोसेस होती है, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि इश्यूज दो तरह के हैं, जो इमीडिएट सब लोगों को दिखाई देता है वो इश्यू है, उसके लिए काफी जोर शोर से माहौल बन जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वो उस इश्यू को भुला जाता है, वो माहौल भी शांत हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे गहरे इश्यूज हैं जो किसी को शायद दिखाई नहीं देते हैं और सालों जाने कितनी पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन ये सवाल चल रहे हैं। लोग मतलब जहाँ पर मैंने देखा है कि जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं कि जो 4,000-5,000 होटल में ऐसे ही खाने में खर्च कर देते हैं। एक देखा मैं, एक बहन जो आई वो कहती है कि अरे मैं हम लोग मजदूरी करते थे वहां पर, ठेकेदार ने हमको पैसे दिए थे, हम उनके 5,000 नहीं लौटा पाए तो उन्होंने हमारी बेटी को रख लिया। तो एक तरफ है कि जिनकी बेटी 5,000 रुपए के लिए किसी ने रख लिया जबरदस्ती, तो 5,000 रुपए तो मेरी बेटी को मुझे छुड़ा के लाना है, ये इशू कभी सामने नहीं आते हैं। या फिर जैसे किसान होते हैं, आदिवासी किसान है हमारे, 20-30 साल से लेकर उनकी खेतियां साहूकार के पास गिरवी थी, ना तो इसका रजिस्ट्रेशन होता है ना कुछ होता है, ये इलीगल काम चलता है, लेकिन ये बड़े मतलब चल रहा है, लोग आपस में करवा लेते हैं, तो उनको उनकी खेतियां उनको नहीं मिलती हैं। तो ऐसे जो इश्यूज हैं इनके लिए एक बहुत रूट कॉज इसका ढूंढ कर उसकी वो व्यवस्था करके फिर कभी इन्हें लाचार ना होना पड़े, इसके लिए काम निरंतरता से करने की कोशिश चल रही है। मैं उनसे मैं अपनी पर्सनल मेरे को मतलब एक हमारे जो सपोर्टर्स है वो हमेशा मुझे एक ये करते दोष देते कि अरे तुम अपनी जरूरत किसी को बताती नहीं हो, किसी से कुछ मांगती नहीं हो, तो पता कैसे चलेगा तुम्हें क्या चाहिए। तो मैं ये पहली बार हिम्मत कर रही हूँ आप सबके सामने कि इन सब चीजों के लिए आप लोगों की सहायता की जरूरत हमें बहुत है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा आप वहां पर दो और आप अपने पैसे वापस ले लो, क्योंकि हम लोगों को चैरिटी नहीं देना चाहते हैं, लोगों के लिए व्यवस्था करी करते हैं और ये कहते हैं कि भी हर एक रुपया जहाँ से व्यवस्था मिली है वो हम लोगों को वापस दे दे, हम लोग लाचार ना रहे, हम लोग मजदूर ना रहे, हम लोग अपनी जरूरत पूरी करें। और अपनी तो इस तरह से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आप वो पैसे दे हमें सब मदद करके आपको वापस मिल सकता है। तो मैं अपनी पर्सनल अपील करके शायद मैं गलती कर रही हूँ, लेकिन मेरे को बहुत लगता है कि ऐसे काम में अगर इनका सहयोग मिले तो बहुत सारे सवाल हम लोग छोड़ सकते हैं। ऐसे हम तो इसको गलती मान ही नहीं सकते नीलिमा जी, जो लड़की 13 साल की उम्र में ऐसे ऐलान कर सकती है
वो गलत भला कैसे बोल सकती है, सही नहीं बता है। नीलिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर आई और इतनी सारी बातें जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जैसा है आपने जैसा काम किया, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी फिर से हम आपसे बात करेंगे और बहुत सारे और बातें हम छेड़ सकते हैं और आप हमको बता सकती है कैसा है ग्रास रूट लेवल पे कैसा सिचुएशन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।